गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में। हालांकि हम लोग जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू एक्चुअल में ये किसका मॉडिफिकेशन था, तो मॉडिफिकेशन था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते थे। एडिपोज टिश्यूज़ बेसिकली जो है बेटा, वो कुछ इस टाइप का ही दिखता था, क्योंकि जब साथ में हो जाता है बहुत लोगों का, तो शेप और साइज ऑटोमेटिक किसी का भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। आप इसके बारे में की फीचर्स जानते हो कि साइटोप्लाज्म इसके पेरिफेरल पर होता है, न्यूक्लियस भी पेरिफेरल पर होता है, और बीच में लॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लॉक्यूल्स का मतलब क्या हो जाता है, गैप। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना, ये एडिपोसाइट्स एक्चुअल में क्या करता है, स्टोर करता है फैट्स। याद रखिएगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इस टिश्यू में एडिपोसाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या, ब्लड वगैरह ये सब सब। डियर स्टूडेंट्स, अब जब ब्लड वगैरह भी प्रेजेंट हो गया, देन अब ये कहां पे प्रेजेंट होगा, तो अब जरा देखो कि कभी भी पेट पे हाथ लगाओ तो तुम्हें पेट की चर्बी कहां पर फील होगी, पेट की चर्बी जो फील होगी वो तुम्हारे अंदर साइड पे फील होगी। ठीक है, दैट इज वो भी क्या हो गई कि ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अगर याद रख लेना कि अगर एडिपोसाइट को ट्रीट करते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ, तो बेसिकली क्या होगा, फैट डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीट तरीके से, और अल्टीमेटली एडिपोसाइट्स क्या हो जाएगा, वैक्यूलेटेड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएगा। यही कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि आपने सुना होगा अक्सर कि जो बियर वगैरह पीता है बंदा, वो बंदा क्या हो जाता है, हद से ज्यादा मोटा होने लगता है। सुना है आप लोगों ने, शायद सुना ही होगा। नेक्स्ट, एडिपोसाइट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, दो टाइप के होते हैं, एक वाइट फैट्स वाला होता है, एक ब्राउन फैट्स वाला होता है। वाइट फैट जिसे मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट कहते हैं, जिसके अंदर सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, साथ साथ पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म होता है, पेरीफेरी पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? देखो, लेस अमाउंट के वजह से साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो इन अ लेस इन नंबर, जो प्रोवाइड करता है लेस एनर्जी। जैसे कि व्हाइट फैट्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चे, व्हाइट फैट्स जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा हम लोग उतने मोटे दिखेंगे। और क्यों, व्हाइट फैट सिर्फ चर्बियां बढ़ाने का काम करता है और कुछ भी नहीं करता ये। कोई कहेगा कि नहीं सर, फैट्स कह सकते हो, लेकिन बेटा एक बात याद रख लेना, फैट्स कभी भी आपके लिए सही नहीं होता है। हाँ, एक ही जगह सही होता है कि मोटे लोगों को ठंड कम लगती है। एग्जांपल, पैनिक्यूलस एडिपोसस, ये थिन कंटिन्यूअस लेयर है व्हाइट फैट्स का, वो भी डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के नीचे, जो कह सकते हो कि हाइपोडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाइट फैट्स येलो बोन मैरो में पाया जाता है। नेक्स्ट, ये पैनिक्यूलस एडिपोसस जैसे हमारे बॉडी में नाम है, ये ब्लबर्स बेसिकली वेल और सील एलिफेंट, वेल मछली का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सील एलिफेंट है ना। अब ये नहीं कहोगे कि सर ये हाथी, नहीं बेटा, एक सील एलिफेंट होता है, आप उसे नेट पर देखें वैसा। इवन कैमल के हम्प में टेल ऑफ मैरिनो शिप, मैरिनो सेप भेड़, घेटू जिसे कहते हैं, उसका टाइप। नेक्स्ट आता है ब्राउन फैट्स। अब जरा समझो, ब्राउन फैट्स एक्चुअल में जब भी देखोगे तो ये कंपोज्ड होगा किस चीज का, तो मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट से कंसिस्ट होगा। जिसमें मेनी फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। देखो, अगर बंदे के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, तो आप बता सकते हो कि वो क्या करेगा, यस, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यही कारण है कि नियरली 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ब्राउन फैट्स क्यों ब्राउन दिखता है, क्योंकि उसके पास साइटोक्रोम पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन फैट्स कोल्ड रेजिस्टेंस होगा न्यू बॉर्न बेबी में, यानी न्यू बॉर्न बेबी में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
यही कारण है बेटा कि नए जो बच्चे जन्म लेते हैं ना वो सबसे ज्यादा सोते, दिन भर सोने का काम उनका। नेक्स्ट रोडेंट। रोडेंट बेटा वो होता है जो जमीन में छेद वगैरह में रहता है, जैसे रैट, स्रियूज, ये सब हो गया, प्लस हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग जो ठंडी की स्लीप लेते हैं ना वो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में याद रखिएगा कि हमेशा दो चीज, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जैसे देखो ये खुद दो टाइप का होता है, एक डेंस रेगुलर होता है और दूसरा डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। रेगुलर में देखो कि एक रेगुलर इंटरवल में इक्वल अमाउंट पे कॉलेजन फाइबर साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। वहीं इररेगुलर में जरा देखो डायग्राम आपको उल्टा सीधा दिखेगा, बस यही बेसिक डिफरेंस है ना। अब इसके अंदर जो सबसे पहले हमें डील करना है, ठीक है, वो डील करना है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेटा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में क्लियर समझ रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि व्हाइट कलर में अपीयर होगा। व्हाइट कलर में अपीयर होगा तो कह सकते हैं कॉलेजन फाइबर वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि कॉलेजन फाइबर व्हाइट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि येलो फाइबर और दूसरा रेटिकुलर जो फाइबर होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इवन सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाता है और मास्ट सेल्स ये क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। अब जरा देखो इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, यानी कॉलेजन फाइबर के अरेंजमेंट के बेसिस पे, और अरेंजमेंट किसका, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, वो भी किसका बेटा, तो फाइबर और मैट्रिक्स का, फाइबर और मैट्रिक्स का। ये क्या होगा, टू फॉर्म पे होगा। अब कहोगे कि सर ये टू फॉर्म किस टाइप पे, तो बेटा देख, सबसे फर्स्ट जो होता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, कॉर्ड देते हैं, ठीक है। क्या है ये, डेंस रेगुलर टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डेंस रेगुलर टिश्यू कहलाता है। अब जरा समझो कॉर्ड में क्या चीज है, ये एक्चुअल में बंडल है, ठीक है। कॉर्ड का मतलब आप समझते हो तार के जैसा, तो ये क्या चीज हो गया, बंडल हो गया, किसका, कॉलेजन फाइबर का, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। साथ साथ क्या है, मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ये जो होंगे रेगुलर पैटर्न पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रेगुलर पैटर्न के मतलब कि जो फाइब्रोब्लास्ट है ये फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट किस में होंगे, इन सीरीज में होंगे, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। और जो मास्ट सेल्स होंगे ये मास्ट सेल्स इसमें स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे पड़े होंगे, क्लियर है। अब इस टाइप का एग्जांपल क्या होगा, इस टाइप का एग्जांपल होगा बेटा टेंडन। अब ये क्या कहोगे, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है मसल्स एंड बोन को। मतलब कि अगर ये हड्डी है बेटा, समझ, और ये मसल्स है, तो ये टेंडन होगा।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, अब सीधे टर्म आता है, बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑन का नाम क्या पता है? टेन डो कैल्केनियल टेंडन। ये कहां? ये पैर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी का एक मसल्स होता है जो काफ मसल्स कहते हैं ना, ठीक है। ये ज्वाइन करता है काफ मसल्स। काफ मसल्स का नाम गैस्ट्रो सिनेमस मसल्स होता है, ठीक है। और विथ कैल्केनियम बोन ऑफ एंकल। कैल्केनियम बोन एंकल का क्या करता है? जोड़ता है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसका सेकेंड जो है, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, तो सीथ कहते हैं। सीथ जे, देखिए, कॉर्ड जो है डेंस रेगुलर है, सीथ जो है डेंस इरेगुलर है। अब टर्म क्लियर हो रहा है माइंडसेट पे? अब जरा देखो कि ये सीथ क्या चीज है। इसके अंदर नो फाइबर एंड मैट्रिक्स वर रेगुलर, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर है, जिसमें सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। अगली बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, कवरिंग बनाएगा ये, जैसे सबसे पहला पेरी कार्डियम, किसका कवरिंग है? कवरिंग है हार्ट का, कार्डिया टर्म हार्ट का लिया गया है। नेक्स्ट पेरिओस्टियम, ऑस्टियम टर्म किसके लिए लिया गया है? बोन के लिए, ठीक है, और बोन में कौन? स्केलेटन। नेक्स्ट पेरी कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम किसके लिए लिया गया है? ये भी कवरिंग है बोन का, लेकिन कार्टिलेज लिखते हैं अपन। अरे बात समझ में? नेक्स्ट एपी माइसियम, ये कवरिंग है किसका? मसल्स का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल किसकी कवरिंग है? किडनी की, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब। नेक्स्ट ग्लिसंस कैप्सूल किसकी कवरिंग है? हिपेटिक हिपेटिक लोब्यूल्स की कवरिंग है। नेक्स्ट ड्यूरामेटर, बोलिए ड्यूरामेटर किसका कवरिंग हो सकता है? ब्रेन का कवरिंग है ये, ठीक है। और कॉर्निया ऑफ आई है ना, ये सब सारे किसके हैं बेटा? ये सब के सब जो भी है वो ऑटोमेटिक डेंस इरेगुलर है। अब बात करते हैं व्हाइट फाइब्रस के बाद, दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी का सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, समझिएगा। अब इसे अपन प्यार से YFCT भी कहते हैं। इसमें येलो फाइबर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। कॉलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा लेकिन कम होगा। रेटिक्यूलर फाइबर क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। अब आप जानते हो
ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर और मैट्रिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे कितने टाइप का होगा? टू टाइप का हो. क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? पहला, जिसे अपन कॉर्ड कहेंगे, ठीक है. दूसरा, जिसे अपन सीथ कहेंगे. कोई दिक्कत? अगर एक में ही लिख दे तो चलेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा. मेरा कुछ भी चीज चलता नहीं है, दौड़ता है बेटा, दौड़ता है, हवाओं से बात करता है. देखो, अब सीधा कॉर्ड जो है ये डेंस है, ये रेगुलर टाइप है, ये भी डेंस है, लेकिन बेटा ये इरेगुलर टाइप है. क्लियर? कॉर्ड अगर जानोगे तो ये क्या है? बंडल ऑफ कॉलेजन फाइबर है, ठीक है. इसमें क्या चीज है? बंडल है. किसका? कॉलेजन फाइबर का. बोलिए. मैट्रिक्स रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है. बोलिए हाँ या ना. और इसी मैट्रिक्स में फॉर्म करता है येलो फाइबर के क्या? नेटवर्क. बोलो हाँ या ना. एग्जाम्पल, लिगामेंट. एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिगामेंट, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है बोन्स को, ठीक है. अब लिगामेंट कनेक्ट क्या करता है? बोन्स को, मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, ध्यान रखिएगा. स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट क्या है? इलियो फीमरल लिगामेंट. अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताओगे कि ये कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट, सीथ पे इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. किसका? फाइबर मैट्रिक्स, फाइबर का, मैट्रिक्स का, और वो भी किसका? इलास्टिक फाइबर का. बोलिए हाँ या ना. अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स. आई थिंक लिम्फ को लसिका कहते हैं, है ना. उसका वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स का, है ना. ट्रू वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड स्वर पेटी जिसे कहते हैं, ठीक है. और ये क्या होता है? ऑल्सो प्रेजेंट इन दी स्किन. नाउ एक और बच गया जिसे अपन क्या कह सकते हैं? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ये बेटा, इसे अपन लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है. प्रेजेंट कहां पर होता है? लिम्फोइड ऑर्गन पे. बोलिए हाँ या ना. नेक्स्ट, प्रोवाइड क्या करता है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. बोलिए हाँ या ना. ठीक है.
और फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है फ्रेमवर्क, फ्रेम ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, ये काम करता है ये। अब इसका एग्जांपल क्या होगा जरा सोचो। अब देखो लिम्फॉइड टिश्यू है ना, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू है तो बॉडी में जो लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, ठीक है, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ नोड किसे कहते हैं बेटा, टॉन्सिल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में सुना होगा, ये सब अभी आपको याद रख लेना है, ठीक है। साथ साथ एंडोस्टियम, एंडोस्टियम बेटा क्या चीज है, ये कवरिंग है, किसका कवरिंग है, बोन मैरो का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, म्यूकोइड, काफी अच्छा है ये, बहुत डिसेंट है ये, जिसका नाम क्या है, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जानना है तो जरा देखें, ये जो बंदा है कौन, म्यूकोइड है ना, इसे अपन एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट होता है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब भ्रूणावस्था में प्रेजेंट होता है। अब इसका जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स जो होता है ये जेली लाइक होता है, किसके जैसा होता है बेटा, जेली लाइक होता है, जिसका नाम क्या कह सकते हैं, वाटर्स जेली कहते हैं। एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड, बोलिए हाँ या ना, जो कि प्लासेंटा और गर्भाशय और गर्भ को जोड़ने में काम करता है। नेक्स्ट विटेरस ह्यूमर, जो हमारे आई में प्रेजेंट होता है लिक्विड वो, और दूसरा मुर्गे की कलगी, कॉम ऑफ कॉक, मुर्गे की कलगी में भी म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो है आपका यहां तक, अभी हम लोग इसके बाद ब्लड पढ़ेंगे, बोन्स, फिर मसल्स, और चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्या, ब्लड, बोन्स एंड मसल्स। सो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़िए, एग्जाम नजदीक है, और आपको बता दे रहा हूं आपके सैटरडे, आज है संडे और मंडे, दोनों दिन लेक्चर जाएंगे, ताकि